हम लोग ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो रास्ता है ना वो एकदम खड़ा है, और वहां ऊपर जाना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना वहां से नीचे आना है। सावन दुर्गा ट्रैक ये बेंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक माना जाता है। तो हम बेंगलोर से ही चले थे सुबह 6 बजे इस ट्रैक के लिए। अभी आप ऑन द वे भी देख सकते हैं कि ये पूरा स्टोन, इतना बड़ा एक हिल है जो पूरे एक स्टोन पे है। और मिडवे पे यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे उठे थे। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको पूरा सावन दुर्गा हिल का व्यू दिखाई देगा, एक प्रॉपर पूरा एक स्टोन है। आप यहाँ पे कैब से, गाड़ी से या अपनी बाइक से कैसे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे लोकल ऑटोज़ भी चलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी खड़ी चढ़ाई है स्टोन की जिसे आज हम ट्रैक करें। सो हम लोग फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं, और हमें ऐसी खड़ी चढ़ाई करनी है, ऐसी ये वाला हिल है जो हमें जिस पे जाना है आज की ट्रैकिंग के लिए। छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे जाना है हमें ट्रैकिंग के लिए। आर यू ऑल सेट फॉर टूडेज ट्रैकिंग? यस। आपने तो वीडियो भी देखी है, मैंने तो वो भी नहीं देखी। खड़ी चढ़ाई देख करके तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अभी हम फिलहाल चढ़ जाओगे? जब हमने पूर्णागिरी और ऐसी ऐसी जगह पहाड़ों में कर लिए, सपोर्ट नहीं है कुछ भी, सीधे पत्थर पे चढ़ना है, पूरा एक पत्थर रॉक है पूरा। अभी हम लोग सोच रहे, पहले थोड़ी पेट पूजा कर रहे थे, हम लोगों ने भेलपुरी मंगाई है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। रास्ता बहुत अच्छा है, मतलब एकदम पहाड़, थोड़ा सा पतला रास्ता है, बट अगर आप लोग पहाड़ों में अगर आप लोगों ने ट्रैवल करा है तो आप लोग के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बाकी मैंने, मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं, बस थोड़ा बहुत वीडियो से रेफरेंस लिया था, और इसकी खड़ाई एकदम पत्थरों के ऊपर है बिना किसी सपोर्ट के, जैसे मनोज ने बताया। तो बाकी देखते हैं, डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा लोकेशन देख करके, बट लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने दिल्ली छोड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही बैंगलोर आकर के चाट पापड़ी शुरू कर दी है। कैसा है? बढ़िया। लाल नींबू। क्या है ये? चकोतरा। हरिद्वार में जाओ टेस्ट करो, बताओ कैसे। हमने रामनगर में भी खाया था क्या? शायद। टेस्ट करना पहले आपको, इतना खट्टा में मेरे दांत में बहुत ज्यादा खट्टा है। कैसा लगा? अरे ये कैसा है नारियल पानी? पानी है, पाना है, बहुत मीठा है। मीठा बहुत सही। ऊपर जाने से पहले बॉडी फिट कर रहे अपनी। वो जिग जैग जो रास्ता है पूरा ऐसे चलना, सोच के ही आपको कुछ कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है सोच सोच के। यूज टू हो ना पहाड़ पत्थर। I need you to hear.
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We डर लग रहा है आपको? है ऊपर जाके पूरे मंदिर अच्छा वो वाला डैम दिखेगा। ओह अभी तो शुरू हुई है ऐसी गाड़ी चढ़ाई मेरे तो सारी चढ़ाई खतरनाक है। आराम से जयशंकर का बैग ज्यादा भारी है। इसका बैग ज्यादा भारी आधे आधे से भी आधे आधे से भी कम रास्ते में हम ढेर हो चुके हैं। मैंने ऐसी ट्रैक कभी देखी तो नहीं थी वीडियोस में और ना कभी सुनी थी। आज पहली बार कर रही हूँ। ये मेरे और मनोज की पहली ट्रैक है। मनोज ढेर हो चुके हमारे साथ दो लोग आए थे उनमें से एक सिपाही शुरू होने से पहले ही ढेर हो गया। दूसरा सिपाही पहले सिपाही को लेने गया है और हम दो सिपाही यहाँ ढेर है। मैं आपको व्यूज भी दिखाती हूँ। बड़े अमेजिंग व्यूज है। मतलब जितना आप ऊपर जा रहे हो अगर आपने पीछे मुड़ करके देखा तो वो जो ऐसी ऐसा वो है ना ऐसी ढलान है उसको देख करके फिर हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर चढ़ने की। और चढ़ाई ऐसे है ऐसी चढ़ाई और ऐसी ढलान है। बारिश शुरू हो चुकी है। क्या लगता है पत्थर स्लिपरी होंगे बारिश में? हो सकते हैं। हमसे छोटे छोटे बच्चे ऊपर चले गए उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रही है। मैं और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करूंगी। शॉर्टकट नहीं वहां से लोग नीचे आ रहे वहीं से चलते। ओह गॉड शॉर्टकट मतलब यार शॉर्टकट से रास्ता और डबल हो जा रहा है। अभी यहाँ पे इतना पानी है यहाँ पे हमें संभल करके चलना पड़ेगा। वो जो टोम दिख रहा है ना वहां तक पहुंचने का लक्ष्य है हमारा। उसके बाद देखते हैं। थोड़ी थोड़ी हिम्मत ने जवाब दे दिया। आप देख सकते हो ट्रैकिंग कितनी खड़ी है और वहां तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत बची। उसके बाद हमें ऐसे थोड़ा सा नीचे जाना है फिर ऊपर जाना है। हिम्मत बची तो जाएंगे वरना वहीं से वापसी। हम लोग ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गए हैं लेकिन अब जो रास्ता है ना वो एकदम खड़ा है और वहां ऊपर जाना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना वहां से नीचे आना है। मैं आपको दिखाती हूँ। और लिटरली हमारी हालत खराब हो रही है। अब मैं हम लोग को बस यहीं तक पहुंचना है पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें ये पूरा रास्ता ऐसे खड़े में वो रास्ता दिख भी नहीं रहा। खड़े में ऐसे जाकर के यहाँ जाना है और अगर हम वापस आते हैं तो वापस का रास्ता भी हमारा उतना ही स्ट्रेट है। ये
इतना स्ट्रेट हम ऊपर आए हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है, डर बहुत लग रहा है और ना अब पैर कांप रहे इतनी हाइट में आकर के। क्या करें, चलते हैं वापस चले। थोड़ा सा ये है कि इतना पहुंच गए और जहां तक जाना था वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। अभी एक घंटे की ट्रैकिंग हो रही है, ये तो हमारा लास्ट स्टॉप था। थोड़ा सा दुख हो रहा है कि यहाँ तक पहुंच गए और वहां तक नहीं पहुंच पाए, बट जान है तो जान है, एज सेड बाय मनोज जी ना, जान है तो जान है। आई गेस हम इसको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते और यहीं एंड करते हैं, अब वापस चलते हैं। मैं यहाँ से आप लोग को व्यू दिखाती हूँ। काफी लोगों को नंगे पैर भी उतरते हुए देखा है, क्योंकि नंगे पैर से भी आपकी जो ग्रिप होती है ना चढ़ने में और उतरने में वो थोड़ी सी होल्ड अच्छा रहता है, अदरवाइज आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ ना, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे लगा और इसको ऊपर आने में भी मनोज तो लिटरली उल्टा उल्टा आए हैं। मैं हिम्मत करके चली तो गई ऊपर तक, बट अब हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर जाने की। अब हम चलते हैं वापस, अब इसके बाद नहीं है हिम्मत जाने की। लोग तो वहां ऊपर तक वहां तक जा रहे हैं, लेकिन वहां तक जाने की हमारी हिम्मत तो खत्म हो चुकी है सारी। घुटने काफी लग गए उतरने में। अरे इतनी हाइट, मैं इतनी हाइट में कभी आई नहीं हूँ और ट्रैकिंग के जोश से चढ़ते चढ़ते इतना आ गई मैं। ये देखिए आपको ऐसे, हमें ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि ये स्लोप एकदम, ये जो चढ़ान है एकदम खड़ी चढ़ान है, 90 डिग्रीज एकदम। I am a true blogger. जान में जोखिम डाल के, मैं अपने जोखिम में डाल करके हम व्लॉग्स बना रहे हैं। ऐसा स्लांट है यहाँ पे, इतना स्टीप है वो ऊपर देखो तो यहाँ से, इतना स्लांट है। यहाँ से हम आते हैं रोल रोल करके। I'm walking alone, streets are empty. कैसे गिर गए? कहाँ कहाँ था? गिर के कैसा लगा? चल मेरे मांझी। यहाँ चंपारण के जंगलों में मैन वर्सेस वाइल्ड वुमन, बिकॉज यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं है। मैन एंड वुमन वर्सेस स्टोन, स्टोन्स, मैन एंड वुमन वर्सेस पहाड़, स्लिपरी पहाड़। आराम से हमने अपनी जान बचाते हुए आधे रास्ते से वापस आए हैं। ये तो हमने आधा ही ट्रैक किया, दो घंटे का और बचा था। जान जोखिम में डाली, जान से ज्यादा कुछ नहीं है, जान है तो वीडियो आती रहेंगी वही, वरना ये आखिरी वीडियो भी नहीं आ पाएगी। इसे अपलोड करने वाला भी नहीं बचेगा कोई, ऐसा मत। ये देखो रास्ता,
यहाँ से आ जा, ये रहा यहाँ और आगे वाला। यहाँ पे रास्ते बने नहीं है तो रास्ते ढूंढते हुए हमें चलना है। हाँ, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई कैसे भी जा रहा है, वहां से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, इसीलिए डायरेक्शन नहीं है आने और जाने की। और रास्ते सारे खतरनाक है। और क्या ये ट्रैक लीगल है? मंदिर है यहाँ बहुत सारे, ये ट्रैक लीगल है? मंदिर तो नीचे है। यहाँ पे हमें खाने के लिए खूब सारी मछलियाँ मिलेंगी, वो हम ढूंढते हैं। हमने जो गांव क्रॉस किया ना पूरा रास्ते में, वहाँ पे इतनी सारी फिश मार्केट्स थी, मतलब यहाँ के लोग फिश बहुत खाते हैं क्योंकि यहाँ पे डैम है। हाँ, तो डैम से फ्रेश, डैम की फ्रेश फिशेस। ये हमारा ट्रैक ऑफ डेथ, सबके ऐसे हंसते हुए जा रहे ऊपर। जो थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, मेरा खुद का ऐसा लग रहा है जूतों से बाहर आ जाएंगे पैर मेरे, पैरों पर डाउनवर्ड्स बहुत फोर्स पड़ रहा है, बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत पुश करना पड़ रहा है पैरों को नीचे। एग्जिट पॉइंट पे आ गए जहाँ से शुरू किया था, वहाँ पे एंड करा। तो यहाँ पे भी लोग हैं, ये रास्ता नहीं है लेकिन लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, जबकि रास्ता यहाँ से होता है। रास्ता ये है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, बट ये लोग यहाँ रॉन्ग साइड। कुछ रूल्स नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और ये यहाँ का फेमस मंदिर है, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि कन्नड़ में। बाकी जो हमें ट्रैक करना था, ये झंडा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक ट्रैक करना था। So, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी ट्रैक ऑफ डेथ जो कि सावन दुर्गा हिल्स में है वो वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग जितना कवर कर सकते थे उतना हमने इस व्लॉग के थ्रू उसको कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट्स के थ्रू हमें देते रहना। और अगर आप लोगों में से, अगर हमारे सब्सक्राइबर्स में से किसी ने ऐसी ट्रैकिंग कभी करी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Walking